फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं मानव हृदय की संरचना के अंतर्गत उसके आंतरिक संरचना, कौन कौन सी पेशियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, कितने कपाट पाए जाते हैं, कितने चैम्बर पाए जाते हैं, उनका क्या क्या कार्य है, पूरे डिटेल में इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर बीच में स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट तक जाते जाते आपके हृदय के एक एक पार्ट याद हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो हृदय से संबंधित देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं मानव हृदय की संरचना के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा मानव हृदय बंद मुट्ठी के आकार का खोखला 12x9 सेंटीमीटर का होता है, और इसका रंग गहरा लाल व बैंगनी होता है। दोस्तों, मानव हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है, एंड शिशु के हृदय का भार 20 ग्राम तक होता है। एंड दोस्तों, जो हमारा हृदय होता है वह वक्ष हड्डी, जिसे स्टर्नम कहते हैं, उसके पीछे 2/3 भाग बाएं तरफ व 1/3 भाग दाएं तरफ होता है। हमारा हृदय क्या करता है दोस्तों? एक पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है, जो शरीर के विभिन्न भागों से आए हुए अशुद्ध रक्त, जिसमें CO2+H2O होता है, को शुद्ध करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, पुनः भेजता है। एंड दोस्तों, इसकी संरचना कैसी है कि यह चौड़ा हृदय के जो चौड़ा भाग को आधार यानी बेस कहते हैं, जो ऊपर की ओर होता है, जिसे आर्टिकल्स पार्ट भी कहते हैं, अलिंद भाग, जो दो अलिंद दायां और बायां अलिंद होता है। एंड कुंद छोर वाले भाग को शिखर कहते हैं, एपेक्स, जिसका झुकाव थोड़ा ऊपर तथा नीचे की ओर होता है। एंड दोस्तों, हमारे हृदय में चार कक्ष यानी चार चेंबर होते हैं। ऊपर के दो कक्ष दो भाग को अलिंद कहते हैं, आर्टियल या आर्टियम कहते हैं, ठीक है, और नीचे के दो भाग को निलय कहते हैं यानी आर्टिकल कहते हैं, या अधिक मांसल होता है, वेंट्रिकल पॉर्ट कहते हैं। एंड दोस्तों, हृदय के दो कोष्ठक यानी दो भाग होते हैं, दायां भाग और बायां भाग। एंड दोस्तों, हृदय में एक स्पष्ट हृदय खांच निकला होता है, जिसे कोरोनरी साइनस बोलते हैं। क्या कहते हैं? साइनस हृदय के ऊपरी चौड़े भाग को पिछले शंकुआकार भाग से पृथक करती है। क्या करता है कोरोनरी साइनस? हृदय के ऊपरी चौड़े वाले भाग को पिछले शंकुआकार भाग से पृथक करता है, जैसे कि चित्र में स्पष्ट दिख रहा है। एंड दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि हृदय की पेशी भित्ति की मोटाई जो है, जो हमारे हृदय की पेशियों की दीवारों की मोटाई है, वह भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न पाई जाती है। जैसे कि जिसमें बाएं निलय की दीवार जो है दाएं निलय की अपेक्षा अधिक मोटी होती है। कितना? कि दाएं निलय से 3 से 4 गुना अधिक मोटी होती है बाएं निलय। क्यों होती है दोस्तों? इसका भी तो रीजन होगा, क्योंकि बाएं निलय को बहुत अधिक संकुचित यानी कार्य करना पड़ता है, जबकि अलिंदों की दीवारें कैसी होती है दोस्तों? अलिंदों की दीवारें नीलियों की दीवारों से पतली होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में। हृदय की आंतरिक संरचना में हृदय जो है तीन पेशियों से मिलकर बना है, यानी हृदय की भित्ति जो दीवारें हैं वो तीन पेशियों से बनी हुई है। कौन कौन सी दोस्तों? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। एपिकार्डियम क्या है? एपिकार्डियम जो होता है वो पेरिकार्डियम के तीन परतों से बना है, जिसके बीच में सेरस नामक पदार्थ भरा रहता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, और यह हृदय के बाहरी आघातों से रक्षा करता है एवं हृदय स्पंदन में सहायता करता है। जैसा कि दोस्तों प्रश्न ये पूछता है कि हृदय की बाह्य परत को क्या कहते हैं, तो कभी कभी उसमें एपिकार्डियम मायोकार्डियम दोनों दिया रहता है, तो वहां पे एपिकार्डियम सही होगा। यानी एपिकार्डियम नहीं दिया है तो वहां पेरिकार्डियम सही होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, हृदय को वाह परत पूछेगा तो। एंड मध्य परत है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है मध्य परत है, या हृदय पेशी उतक यानी कार्डियक मसल से निर्मित होती है।
एंड तीसरा परत सबसे आंतरिक परत है इंडोकार्डियम। आंतरिक परत यह पतली झिल्ली के समान होता है जिसका संबंध रक्त वाहिकाओं से होता है, जिसमें हमारे चार चेंबर कक्ष होते हैं इंडोकार्डियम में, दो अलिंद और दो निलय। ये तो हृदय की संरचना के बारे में आपने पूरा समझा दोस्तों। अब हम बात करते हैं हृदय की रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हृदय की रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी होती है, इसमें सिराएं होती हैं यानी कि वेन्स होती हैं, धमनी यानी आर्टरी होती हैं, ठीक है, हृदय सिरा नाल होती है, पल्मोनरी धमनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिराएं यानी वेन्स के बारे में। दोस्तों वेन्स जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त ला करके दाएं अलिंद में छोड़ता है, ठीक है। और ये सिराए यानी कि वेन्स जो है तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला है ऊर्ध्व महाशिरा जिसे सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, दूसरा निम्न महाशिरा जिसे इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं, जैसे कि चित्र में स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों, एंड तीसरा है पल्मोनरी सिराएं। अब इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ऊर्ध्व महाशिरा यानी कि सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो शरीर के ऊपरी भागों से रक्त लाता है। कहां से? शरीर के ऊपरी भागों से, जैसे कि हमारे सिर और बाजू से रक्त लाता है, और कहां छोड़ता है? दाएं अलिंद में। और निम्न महाशिरा जो इन्फीरियर वेना कावा है वो शरीर के निचले भागों से रक्त लाता है, जैसे पेट और टांगों से, और ला करके कहां छोड़ता है इन अशुद्ध रक्त को? दाएं अलिंद में, यानी कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, यानी शरीर के ऊपरी भाग से रक्त, शरीर के निचले भाग से रक्त, सभी अशुद्ध रक्त आकर के कहां इकट्ठा होते हैं? कहां आके छोड़ता है उसको सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा? दाएं अलिंद में, ध्यान में रखिएगा, दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। अब नेक्स्ट है इसी का तीसरा क्या है? पल्मोनरी सिराएं। ये पल्मोनरी वेन्स क्या होती है? पल्मोनरी सिराएं यानी पल्मोनरी वेन्स ये क्या करती हैं? जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि सिरा यानी वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा ऐसा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। जैसे कि दोस्तों शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये सभी प्रक्रिया आपको लास्ट तक अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पल्मोनरी सिरा क्या करता है? शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचता है। एकमात्र सिरा जो शुद्ध रक्त लेकर जाती है, इस संख्या में चार होती हैं, दो बाएं तरफ बाएं फेफड़ों से रक्त को, शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में लाता है, एंड दो दाएं तरफ से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में लाता है। कहां से लाता है दोस्तों? जब पल्मोनरी धमनी जाती है और शुद्ध रक्त लेकर के फेफड़ों के पास शुद्ध होने के लिए, तो फेफड़ों से शुद्ध होकर के वो रक्त पल्मोनरी सिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में आता है, ठीक है। और बाएं अलिंद से वो शुद्ध रक्त बाएं निलय में आता है, बाएं निलय से वो शुद्ध रक्त पल्मोनरी बाएं निलय से वो शुद्ध रक्त महाधमनी के रास्ते समस्त शरीर में भेज दिया जाता है। ये तो हम जाने दोस्तों सिराओं के बारे में यानी वेन्स के बारे में। अब जानते हैं धमनियां क्या हैं यानी आर्टरी क्या हैं। धमनियों में क्या बहता है दोस्तों? शुद्ध रक्त बहता है, ध्यान रखिए। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है जिसमें से पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। सिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध, लेकिन पल्मोनरी सिरा ऐसा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक। लेकिन धमनियों में क्या है? शुद्ध रक्त बहता है। धमनी क्या करता है? हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को समस्त शरीर की तरफ भेजता है, ठीक है। हृदय से सभी अंगों में शुद्ध रक्त भेजने का कार्य करता है धमनी। ये धमनियां कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्य धमनी महाधमनी, जहां से हमारा बाएं निलय से शुद्ध रक्त कहां जाता है? एरोटा के रास्ते, मुख्य धमनी के रास्ते समस्त शरीर में प्रवेश करता है। तो मुख्य महाधमनी मुख्य धमनी यानी महाधमनी एरोटा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एरोटा यानी महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है, हृदय के कक्ष से सीधी जुड़ी है। हृदय ऑक्सीजन युक्त खून यानी रक्त
इस धमनी और इसकी शाखाओं के द्वारा पूरे शरीर में परिचालित करता है। ठीक है, इस मुख्य धमनी यानी महाधमनी के कौन कौन से पार्ट है दोस्तों? सबसे पहली शाखा इसी निकलती है कोरोनरी धमनियां। पहला है मुख्य धमनी यानी एरोटा का पहला पार्ट है कोरोनरी धमनियां यानी कोरोनरी आर्टरी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इससे बहुत टफेस्ट क्वेश्चन बनता है और जो पढ़ा रहेगा वो आसानी से आंसर दे लेगा, नहीं जो नहीं पढ़ा रहेगा वो नहीं ढूंढ पाएगा कभी। तो कोरोनरी धमनियां जो सबसे पहला इसकी शाखाएं निकलती है, एरोटा की सबसे पहली शाखा कोरोनरी आर्टरी निकलती है यानी हृदय को रक्त संभरण यानी ब्लड सप्लाई इन द हार्ट। ये क्या करता है कोरोनरी धमनी? हमारे हृदय को रक्त सप्लाई करता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे हृदय को रक्त की आपूर्ति कौन करता है? तो कोरोनरी धमनी करती है यानी कोरोनरी आर्टरी करती है। यानी महाधमनी से सर्वप्रथम निकलने वाली शाखाएं दाई एवं बाई ओर हृदय की कोरोनरी धमनियां हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि महाधमनी से यानी एरोटा से सर्वप्रथम निकलने वाली शाखाएं कौन सी है? तो कोरोनरी आर्टरी है, दाई और बाई कोरोनरी आर्टरी जो हमारे हृदय को रक्त सप्लाई करती है, हमारे हृदय को रक्त आपूर्ति करती है और यह आगे चलकर उप शाखाओं में विभाजित होकर हृदय के चारों ओर फैल जाती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है दोस्तों। इस प्रकार हृदय के सभी भागों तक ये रक्त पहुंचाती है, हृदय के सभी भागों तक कोरोनरी आर्टरी रक्त पहुंचाती है। हृदय उत्तक से रक्त की वापसी, अब तो दोस्तों सभी हृदय सभी भागों में रक्त पहुंचाई, वो कार्य करने के बाद वो रक्त अशुद्ध हो गया तो उसको तो वापस अब अलिंद में आना पड़ेगा, दाएं अलिंद में, तो कैसे आएगा? तो इसको हृदय उत्तक से रक्त की वापसी मुख्यतः कोरोनरी साइनस के द्वारा होती है। कोरोनरी आर्टरी के द्वारा तो समस्त हृदय में रक्त की आपूर्ति किया जाता है, बट उसकी वापसी पुनः कोरोनरी साइनस के द्वारा होती है जो सीधे दाएं अलिंद में खुलती है। ठीक है, जितने भी अशुद्ध रक्त आकर के जितने भी छोड़ती है कहां पे छोड़ा जाता है? दाएं अलिंद में। ठीक है, अब मुख्य धमनी यानी एरोटा का दूसरा पार्ट, दूसरी शाखा जाता है दाई और बाई कैरोटिड धमनियां। दाई और बाई कैरोटिड धमनियां ये क्या करती है दोस्तों? ये शरीर के सिर और गर्दन के दोनों हिस्सों को खून पहुंचाती है। ठीक है, हमारे सिर और गर्दन के दोनों हिस्सों को कौन सी धमनी खून पहुंचाती है? तो दाई और बाई कैरोटिड धमनियां, याद रखिएगा। एंड तीसरी शाखा इसकी होती है एरोटा की यानी महाधमनी की दाई और बाई सब क्लेवियन धमनियां। दाई और बाई सब क्लेवियन धमनियां जो होती हैं वो हमारे कंधों और भुजाओं को रक्त पहुंचाती हैं। ठीक है, हमारे कंधों और भुजाओं को रक्त कौन पहुंचाती है? दाई और बाई सब क्लेवियन धमनियां। ठीक है, और एरोटा की कई शाखाएं आंतरिक अंगों को खून पहुंचाती है और उदर क्षेत्र में एरोटा की दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ठीक है, उदर क्षेत्र में एरोटा कितनी शाखाओं में बढ़ जाती है? दो शाखाओं में, कौन कौन सी? दाई और बाई इलियक धमनी और फिनोरल धमनी। ठीक, तो दाई और बाई इलियक धमनी ये कहां जाती है? पेल्विस क्षेत्र में स्थित अंगों को रक्त पहुंचाती है दाई और बाई इलियक धमनी। ठीक, पेल्विस क्षेत्र में स्थित अंगों को रक्त पहुंचाती है। एंड ये धमनियां नीचे टांगों तक चली जाती है और यही धमनियां जब नीचे टांगों तक चली जाती है तो वहां जाकर के इसको फिनोरल धमनी के नाम से पुकारा जाता है और ये हमारे दोनों टांगों को रक्त पहुंचाती है। तो दोस्तों ये तो हम जाने महाधमनी के बारे में। ठीक है, महाधमनी के बारे में, इसमें धमनी के विभिन्न पार्टों के बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीरा नाल यानी कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या होता है? जो कोरोनरी धमनी होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है, वो तो हमारे हृदय को रक्त सप्लाई करती है बट उसको वापस ला करके दाएं अलिंद में फिर से छोड़ती है कोरोनरी साइनस। तो ये कोरोनरी साइनस क्या होता है? एक स्पष्ट हृदय खांच यानी कि कोरोनरी साइनस हृदय के ऊपरी चौड़े भाग को पिछले शंकुआकार भाग से पृथक करती है। ठीक है, हृदय उत्तक से रक्त की वापसी मुख्यतः कोरोनरी साइनस द्वारा होती है जो सीधे दाएं अलिंद में खुलती है। ठीक है, सीधे दाएं अलिंद में ले जाकर के छोड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पल्मोनरी धमनी की। पल्मोनरी धमनी, ठीक है, धमनी के कई सारे पार्ट हम लोग पढ़ लिए, महाधमनी में कोरोनरी धमनियां, कैरोटिड धमनियां, सबक्लेवियन धमनियां, इलियक धमनी, फिमोरल धमनी, सीरा नाल एंड
अब बात करते हैं परमोल्लि धमनी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, यह हमारे हृदय से समस्त शरीर को शुद्ध रक्त भेजता है। लेकिन दोस्तों अपवाद यह है कि परमोल्लि धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। कैसे? दाएं मिले से अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी जो होता है वो पल्मोनरी वाल्व के रास्ते फेफड़ों तक पहुंचाती है अशुद्ध रक्त को। ठीक है, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है, यानी कि वहां से शुद्ध रक्त हो करके रक्त पल्मोनरी शिराओं के रास्ते बाएं अलिंद में आती है, और वहां से बाएं अलिंद से वो बाएं निलय में आती है। बाएं निलय से एरोटा के रास्ते समस्त शरीर में भेज दिया जाता है, एरोटा यानी महाधमनी के रास्ते। ठीक है, तो पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ये ध्यान में रखिएगा। जो अशुद्ध रक्त लेकर पल्मोनरी वाल्व यानी सेमोलिनर वाल्व के रास्ते फेफड़ों तक जाती है। ठीक है, एंड दोस्तों इतना तक तो हम लोग जान गए। अब हम बात करते हैं हृदय कपाट के बारे में, यानी हार्ट वाल्व के बारे में। हमारे हृदय में कितने कपाट होते हैं, कितने दरवाजे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों हमारे हृदय में चार कपाट होते हैं, कौन कौन से? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी वाल्व एंड एरोटिक वाल्व। ठीक है, चार वाल्व होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं अब इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व की। ट्राइकस्पिड जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है दोस्तों, तीन कपाटों वाला। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व तीन कपाटों वाला होता है, यानी कि यह दाएं अलिंद व बाएं निलय के बीच एक छिद्र होता है जो आरटीओ वेंट्रिकुलर वाल्व होता है, यानी कि अलिंद और निलय, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में होता है। एक ही दिशा यानी यूनि डायरेक्शन में होता है, यूनिट डायरेक्शन में रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि जो दाएं अलिंद से रक्त दाएं निलय में आता है ट्राइकस्पिड वाल्व के रास्ते वो वापस दाएं अलिंद में नहीं जाता है, यानी एक ही दिशा में यह रक्त प्रवाह करता है किंतु विपरीत दिशा में वापस अलिंद में आने नहीं देता है। ठीक है, अब दूसरे वाल्व की बात करते हैं जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। ये कहां पे होता है दोस्तों? बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह बार बार पूछा है कि मिट्रल वाल्व कहां पाया जाता है। कभी कभी बाइकस्पिड ने पूछ करके मिट्रल नाम दे देता है, तो बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है। बाइकस्पिड जैसा कि नाम से प्रतीत है, बाई मतलब दो होता है, यानी यह दो कपाटों वाला होता है, यानी इसमें दो दरवाजे होते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। ये कहां पे होता है दोस्तों बाइकस्पिड वाल्व यानी मिट्रल वाल्व? बाएं अलिंद वो बाएं निलय के बीच एक छिद्र होता है आरटीओ वेंट्रिकुलर वाल्व, जो एक ही दिशा यानी यूनि डायरेक्शन में ये भी रक्त का प्रवाह करता है। तो दोस्तों अब तीसरे वाल्व की बात करते हैं, वो कौन सा वाल्व होता है जिसे सेमिलिनर वाल्व बोलते हैं? दोस्तों सेमिलिनर वाल्व जो होता है उसे अर्धचंद्राकार वाल्व बोलते हैं। दोस्तों प्रत्येक सेमिलिनर वाल्व में तीन अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं, और यह प्रत्येक एक ही दिशा में यानी यूनि डायरेक्शन में होता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो वाल्व होते हैं, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व। इन दोनों को सेमिलुनर वाल्व बोला जाता है। ठीक है, तो पल्मोनरी वाल्व ये कहां पे होता है दोस्तों? यह तीन अर्धचंद्राकार वाल्व यानी जहां से पल्मोनरी धमनी निकलती है। पल्मोनरी धमनी कहां से निकलती है? दाएं निलय से। ठीक है, दाएं निलय से जो रक्त अशुद्ध होता है वह अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी इसी वाल्व के रास्ते जाती है फेफड़ों में लेकर के। ठीक है, ठीक है, कहां जाता है? या जहां से पल्मोनरी धमनी निकलती है जिसे पल्मोनरी चाप या पल्मोनरी आर्च कहते हैं, यानी जहां से दाएं निलय के संकुचन होने पर अशुद्ध रक्त पल्मोनरी वाल्व के रास्ते पल्मोनरी धमनी से होता हुआ दाएं व बाएं फेफड़ों में प्रवेश करता है शुद्ध होने के लिए। ठीक है, या अशुद्ध रक्त को ले जाता है। अब बात करते हैं चौथे वाल्व की जिसका नाम है एरोटिक वाल्व। ठीक है, यह भी अर्धचंद्राकार वाल्व है। यह कहां से निकलता है दोस्तों? जहां से महाधमनी यानी एरोटा निकलती है। ठीक है, इसी वाल्व के रास्ते एरोटा में शुद्ध रक्त जाता है बाएं निलय से,
बाएं नीलाय से शुद्ध रक्त इसी एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, यानी कि जिसे महाधमनी चाप यानी एरोटिक आर्च कहते हैं, जहां से बाएं नीलाय के संकुचन होने पर शुद्ध रक्त एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी यानी एरोटा से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हम जाने चाहिए कि चारों कपाट के बारे में हम लोग जान लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि एक सिप्टम शब्द होता है जो हृदय को लंबाई के अनुसार बांटता है, एक वाल्व होता है जो हृदय को क्रॉस रूप में बांटती है, यानी हृदय दो भागों दायां और बायां में बटा रहता है और प्रत्येक भाग में दो हिस्से होते हैं, प्रत्येक कच के अंदर एक पतली झिल्ली होती है जिसे एंडोकार्डियम कहते हैं। हृदय दाएं भाग में अशुद्ध रक्त तथा बाएं भाग में शुद्ध रक्त भरा होता है। ठीक है, हृदय के दाएं भाग में दाएं अलिंद बाएं नीलय में अशुद्ध रक्त होता है और बाएं अलिंद बाएं नीलय में शुद्ध रक्त होता है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त, बाएं भाग में शुद्ध रक्त भरता है। अब बात करते हैं इस हृदय के चार कक्षों के बारे में, दो अलिंद और दो नीलय के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दो अलिंद के बारे में, यानी आरटीएम, जिसे आर्टिकल बोलते हैं। हृदय के दो कक्ष दाया व बाया अलिंद होता है। अलिंदों की दीवारें दोस्तों नीलयों की दीवारों से अपेक्षाकृत पतली होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दाया अलिंद की। दोस्तों दाया अलिंद क्या होता है कि शरीर के जहां जहां से विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त आता है सब यहीं पे आके इकट्ठा होता है। दाया अलिंद में शरीर के विभिन्न भागों से आया हुआ अशुद्ध रक्त यहाँ पे आता है दाएं अलिंद में, शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त यानी इन्फीरियर वेना कावा से और ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त सुपीरियर वेना कावा से के रास्ते दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। अब बात करते हैं बाएं अलिंद की। बाएं अलिंद जो होता है दोस्तों यह पल्मोनरी शिराओं से, जो पल्मोनरी धमनी फेफड़ों में अशुद्ध रक्त पहुंचाती है शुद्ध होने के लिए, वो फेफड़ों से शुद्ध होकर के पल्मोनरी शिराओं के रास्ते बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आता है जो दाएं और बाएं पल्मोनरी शिराओं से आता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नीलयों की। दो नीलय होती हैं, दोनों नीलयों का क्या कार्य है यानी जिसे वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अलिंदों से अपेक्षाकृत नीलियों की दीवारें मोटी होती हैं। अलिंदों से नीलियों की दीवारें कैसी होती है, मोटी होती है। उसमें भी बाएं नीलय की दीवार दाएं नीलय की दीवार से अपेक्षाकृत 3 से 4 गुना अधिक मोटी और शक्तिशाली होती है, क्योंकि बाएं नीलय को बहुत अधिक संकुचित होना पड़ता है। ठीक है, तो यही बाएं नीलय से ही शुद्ध रक्त एरोटा के रास्ते समस्त शरीर में भेजा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों सभी हृदय के सभी पार्ट, सभी रक्त वाहिनियां, सभी भागों के बारे में, चारों चेंबरों के बारे में, चारों कपाटों के बारे में, तीनों पेशियों के बारे में हमने जान लिया विधि पूर्वक। और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे दोस्तों, इससे बाहर कोई आ भी नहीं सकता। एंड दोस्तों इस प्रक्रिया को हम रक्त परिसंचरण तंत्र एक साइकिल में समझ लेते हैं कि कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया है। जितना हम पढ़े हैं 1-2 मिनट में हम संपूर्ण रक्त परिसंचरण तंत्र को समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा अभी तक उसको 2 मिनट में समझते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा और सब कुछ याद हो जाएगा आपको। जैसे कि दोस्तों शुरू कहाँ होता है हमारी क्रिया हृदय की, कि शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र यानी इसके बारे में हम जानते हैं। ब्लड सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है हमारे शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस, जैसे कि शरीर के विभिन्न भागों से आया हुआ अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। चित्र के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से दोनों से समझिए। ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों से आया हुआ अशुद्ध रक्त शरीर के अशुद्ध रक्त कहाँ आके इकट्ठा होता है, दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। और निचले भाग से इन्फीरियर वेना कावा से आता है और ऊपरी भाग से सुपीरियर वेना कावा के रास्ते अशुद्ध रक्त शरीर में अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। एंड अब तो सब प्रवेश कर लिया, अब क्या प्रक्रिया होगा, अब दाएं अलिंद के संकुचन होता है और इसमें 3 कपाट होता है दाएं अलिंद दाएं नीलय के बीच में जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और इस वाल्व के रास्ते दाएं अलिंद के संकुचन के द्वारा इस वाल्व के रास्ते रक्त जो होता है अशुद्ध रक्त वो दाएं नीलय में प्रवेश करता है। अब दाएं नीलय भी संकुचित होगा, तो अब दाएं नीलय के संकुचित होने पर अशुद्ध रक्त पल्मोनरी वाल्व के रास्ते पल्मोनरी धमनी से होता हुआ दाएं और बाएं फेफड़ों में प्रवेश करता है
और फिर फेफड़ा इसको शुद्ध कर देता है। तो अब फेफड़ों से शुद्ध रक्त होकर पल्मोनरी वेस यानी पल्मोनरी शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है। फिर यहां से बाएं अलिंद के संकुचन होने पर शुद्ध रक्त बाइकैस्पिड वाल्व के रास्ते बाएं नीलय में पहुंचता है। फिर क्या होता है, फिर बाएं नीलय के संकुचन होने पर शुद्ध रक्त एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी यानी एरोटा से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाता है। ये थी हमारी संपूर्ण हृदय की क्रियाविधि, संपूर्ण ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आपने पूरी डिटेल में जान लिया दोस्तों। एंड दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों। हृदय की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, यह कैसा कार्य करता है, पंप की तरह कार्य करता है। इसकी दो क्रिया होती है, हृदय कौन कौन सी दो क्रिया करता है दोस्तों, सिस्टोल एंड डायस्टोल यानी संकुचन और प्रसारण क्रिया के द्वारा ही हमारे हृदय की संपूर्ण क्रियाविधि सिद्ध होती है। कैसे होती है दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, ब्लड प्रेशर के बारे में जब हम बात करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कुछ क्रियाविधि इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। जैसे दोस्तों एक पॉइंट है स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है यानी स्ट्रोक आयतन। जब बाएं नीलय से यानी लेफ्ट वेंट्रिकल्स के संकुचन से यानी पंप होने पर जितना रक्त शरीर की तरफ एरोटा के रास्ते जाता है उस रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यानी एक बार में जितना रक्त पंप करता है बाएं नीलय से शरीर की तरफ वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। एक बार में, ये ध्यान में रखिएगा, एक बार में, ठीक है, एक बार में जितना रक्त शरीर की तरफ जाता है बाएं नीलय से एरोटा के रास्ते वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। यानी एक सामान्य वयस्क पुरुष में इसकी मात्रा लगभग 70 ml होता है, अर्थात हृदय एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त पंप करता है, ठीक है, एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप करता है। फिजियोलॉजिस्टों का मानना है दोस्तों कि जितना हृदय दर यानी हार्ट रेट होता है उसी के बराबर मिलीलीटर में स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो एक मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, और हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 70 से 72 बार। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पूरे हृदय की आउटपुट एक मिनट में ज्ञात करने के लिए कि एक मिनट में हमारा हृदय कितना रक्त को पंप करता है इसको जानने के लिए बात होता है कार्डियक आउटपुट की। तो कार्डियक आउटपुट बराबर होता है एक मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं, ठीक है, एक मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। इसकी गणना करने का सूत्र है कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। एक सामान्य वयस्क पुरुष का कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 70 × 72 बराबर कितना, 5040 ml यानी कि 5.04 लीटर इस के बराबर एक मिनट में हृदय हमारा पंप करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग पूरे हृदय की क्रियाविधि के बारे में इस वीडियो में जाने। आई होप कि दोस्तों एक एक पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि नर्व सप्लाई इन द हार्ट, हमारे हार्ट में तंत्रिका संभरण कैसे होता है, कैसे हमारे हार्ट कार्य करते हैं, तंत्रिकाएं कहाँ से आती हैं, कैसे हमारे मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से वेगस तंत्रिका यहाँ पे आती है, ठीक है, ऐसे नोट क्या होता है, इस सब के बारे में डिटेल में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो यदि आप हमेशा चाहते हैं तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपलोड आपके पास जाता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।